13वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत इस्लामी आक्रमणों से तबाह हो रहा था और दिल्ली सल्तनत ने अधिकांश उत्तरी भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना के बाद दिल्ली सल्तनत ने दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण किया और फिर एक के बाद एक दक्षिण भारत के हिंदू राज्यों को भी तबाह कर दिया। खिलजी सेना ने पांडियन साम्राज्य की राजधानी मदुरई तक पहुंच गई थी और उसकी बहुत सी संपत्ति भी लूट ली। होयसला साम्राज्य अंतिम साम्राज्य था जो इन आक्रमणों का सामना कर रहा था। 1330 ईस्वी में तुगलक वंश के अधीन दिल्ली सल्तनत अपने चरम पर थी और दिल्ली सल्तनत की सीमा बहुत फैल चुकी थी और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इतनी विशाल सल्तनत को संभाल नहीं पा रहे थे। इस वजह से कई गवर्नरों ने दिल्ली सल्तनत से अलग होकर अपनी अलग सल्तनत की स्थापना की। 1343 ईस्वी में होयसला साम्राज्य की मदुरई सल्तनत से लड़ाई हुई और इस लड़ाई में होयसला के सम्राट वीर बल्लाला तृतीय की मृत्यु हो गई और होयसला साम्राज्य का अंत हो गया। होयसला सेना के दो कमांडर हरिहर और बुक्का राय ने तुंगभद्रा नदी के किनारे होयसला साम्राज्य के बचे हुए क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया और फिर उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के रूप में अपना राज्य स्थापित किया। इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी में स्थापित की गई थी जो आज वर्तमान कर्नाटका राज्य में है। हरिहर विजयनगर के पहले सम्राट बने और संगम वंश की स्थापना की। 1356 ईस्वी में हरिहर की मृत्यु के बाद उनके भाई बुक्का राय सम्राट बने। 1371 ईस्वी में बुक्का राय ने मदुरई सल्तनत को हराया और मदुरई के आखिरी सुल्तान सिकंदर शाह की इस लड़ाई में मृत्यु हो गई और फिर पूरा दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य के अधीन आ गया। विजयनगर साम्राज्य ने रेड्डी राज्य को हराया और फिर गजपति साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर भी अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य की सबसे ज्यादा लड़ाई बहमनी सल्तनत से होती थी। देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी में विजयनगर के सम्राट बने और वे संगम वंश के सबसे महान विजयनगर सम्राट थे। उनके शासनकाल के दौरान कला और साहित्य का प्रसार हुआ। पिछले इस्लामी आक्रमणों के दौरान नष्ट किए गए कई मंदिरों का पूर्ण निर्माण किया गया था। जब राजधानी हम्पी पानी की कमी का सामना कर रहा था तब देवराय ने तुंगभद्रा नदी से हम्पी तक पानी लाने के लिए कई बांधों और नहरों का निर्माण भी किया था। उन्होंने विजयनगर सेना का भी विस्तार किया। देवराय ने बहमनी सल्तनत को हराया और रायचूर के महत्वपूर्ण किले पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस लड़ाई में देवराय के एक पुत्र की मृत्यु हो गई थी और विजयनगर सेना को फिर वापस जाना पड़ा। देवराय के शासनकाल के दौरान इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर आए। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि विजयनगर का राजा भारत के अन्य सभी राजाओं की तुलना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो गई और उनके बाद संगम वंश के शासक कमजोर थे और 1485 में विजयनगर सेना के एक कमांडर सालुवा नरसिम्हा विजयनगर के सम्राट बने और सालुवा वंश की स्थापना हुई। लेकिन इस राजवंश ने केवल 20 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर सेना के एक सेनापति तुलुवा नरसा नायका वो अंतिम संगम वंश के सम्राट की ओर से शासन किया। लेकिन 1503 में तुलुवा नरसा नायका की मृत्यु के बाद उनका पुत्र वीर नरसिम्हा विजयनगर का सम्राट बना और तुलुवा वंश की स्थापना हुई। 1509 में वीर नरसिम्हा की मृत्यु के बाद उनके भाई कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सम्राट बने। कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के सबसे महान सम्राट माना जाता है। उनके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय के एक मंत्री तेनालीराम थे जो अपनी बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों से मित्रता की और उन्होंने पुर्तगालियों से तोपे और बंदूकें भी प्राप्त की और विजयनगर सेना में कई पुर्तगाली सैनिकों को भी भर्ती किया। इसके कारण विजयनगर की सेना ने 1520 में रायचूर की लड़ाई में बहमनी बीजापुर की सेना को हरा दिया था। इस हार के बाद बहमनी सल्तनत का अंत हो गया और बहमनी सल्तनत 5 अलग अलग सल्तनतों में विभाजित हो गया था जिन्हें दक्कन सल्तनत के रूप में जाना जाता है।
कृष्णदेव राय को कला और साहित्य से बहुत लगाव था और वे खुद कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु और तमिल इन सभी भाषाओं में माहिर थे। उनके शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया था। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई थी और विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग का अंत हो गया था। कृष्णदेव राय उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने उनकी एक बेटी आल्य रामाराय से शादी करवाई। आल्य रामाराय ने पहले कुतुबशाही सल्तनत के लिए काम किया करते थे, लेकिन अब वे विजयनगर साम्राज्य में आ गए और कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद आल्य रामाराय ने विजयनगर साम्राज्य की बागडोर को अपने नियंत्रण में ले लिया और विजयनगर सम्राट सिर्फ एक कठपुतली शासक बन गए थे, क्योंकि असली ताकत आल्य रामाराय के पास थी। उस समय पांचों दक्कन सल्तनत एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, इस वजह से हर सुल्तान आल्य रामाराय से मदद मांगते थे। सल्तनत की दुश्मनी का फायदा उठाकर आल्य रामाराय अपने फायदे के हिसाब से दोस्ती बदलते रहते थे। आल्य रामाराय में बहुत गर्व था और वो बहुत अभिमानी भी हो गए थे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य दक्कन और दक्षिण भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। दक्कन के पांचों सुल्तान आल्य रामाराय से चिढ़ गए थे और इस वजह से ये पांचों सुल्तान विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ एक साथ मिल गए और इस वजह से विजयनगर सेना और दक्कन सल्तनत के बीच 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा की लड़ाई लड़ी गई। दक्कन सल्तनत की सेना के पास कई तोपें थी और माली के मैदान नाम का एक बड़ा तोप भी था, लेकिन फिर भी विजयनगर की सेना बहुत ज्यादा मजबूत थी और विजयनगर की सेना युद्ध जीत रही थी और दक्कन सल्तनत की सेना भाग भी रही थी। लेकिन अचानक विजयनगर सेना के दो मुस्लिम कमांडर गिलानी भाइयों ने विश्वासघात किया। उन्होंने आल्य रामाराय को पकड़ लिया और उन्हें मौके पे ही मार दिया। आल्य रामाराय की मृत्यु के साथ ही विजयनगर की सेना में भगदड़ मच गई और विजयनगर के सैनिक भाग गए। दक्कन सल्तनत की सेना विजयनगर की राजधानी हम्पी पहुंचे और फिर पूरे शहर को नष्ट कर दिया और विजयनगर के सभी नागरिकों को भी मार डाला। आल्य रामाराय के भाई तिरुमला देवराय ने साम्राज्य के खजाने और शाही परिवार के साथ भाग निकले। उन्होंने विजयनगर की राजधानी को वर्तमान आंध्र प्रदेश के पेनुकंडा में स्थापित किया। वे विजयनगर के सम्राट बने और आर्यविडु वंश की स्थापना की। अब विजयनगर साम्राज्य पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। विजयनगर के कई गवर्नर, जिन्हें नायक कहा जाता है, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने खुद के राज्य भी स्थापित कर दिए थे। 1616 में विजयनगर के सिंहासन के लिए तोपुर की लड़ाई लड़ी गई थी। यह लड़ाई दक्षिण भारत इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी और इस लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी और 1646 में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था।